हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी लाल इमली की। आ गया ना मुँह में पानी। ये देखें, एक पाव मैंने इमली ली थी और इसको मैंने पानी में बॉयल किया था, एक कप पानी में, और इसका मैंने पल निकाल लिया है, इसको मैंने छान लिया है। और ये मेरे पास आधे पाव चीनी है, और ये मेरे पास काला नमक हैगा, और ये कूटा हुआ भुना हुआ जीरा है जो मैंने इसे पीस लिया था, और ये थोड़ी काली मिर्च भी है, और गरम मसाला भी है, कुटी हुई मिर्च भी है मेरे पास, और ये मेरे पास कलर है रेड कलर का, ये थोड़ा सा नमक है, और ये कॉर्नफ्लोर है। इसको हम ऐड करेंगे जब हमारी चटनी पकने लगेगी, इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। और ये मैंने देखें इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने ये गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैंने ये ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ ये भी ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा ये काला नमक है ये भी मैंने ऐड कर दिया है, ये ज़रूर डालिएगा, ये इसका टच है। और ये चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह पकाएंगे, बर्तन में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दूंगी मैं। इसमें थोड़ा जो नमक रह गया था वो भी मैंने डाल दिया सफ़ेद वाला। और ये देखें, मैंने एक डेगची में ये मैंने सारा मिला हुआ अपना ये पल इमली का ये एक बर्तन में ऐड कर दिया है सारा, और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है पकने के लिए, ताकि ये पके अच्छी तरह। जब इसमें खोल आ जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर 2-2.5 चम्मच पानी में हल करके डालूँगी। ये देखें, इसमें खोल आ चुका है मेरे इमली के पानी में, और ये अच्छी तरह पक रहा है। इसको पकाइएगा अच्छी तरह, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होगा। इसके अंदर मैंने कलर भी घोल कर ऐड कर दिया है 1/2 चम्मच। इसका कलर देखें अच्छा हो गया है। लाल चटनी खट्टी मीठी बनेगी, जो समोसे पकौड़ों के साथ हम लोग खाते हैं, बाहर से जो लेकर आते हैं उसके साथ जो मिलती है। अब इसके अंदर देखें आप, ये बॉयल आ रहे हैं पानी का, और ये अच्छी तरह पकेगा। इसमें मैंने अब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है घोल कर। इसको चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पैदा हों, और ये अच्छी तरह बनती जाए चटनी हमारी। इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है, आप ये देखें। अब मैं इसको डिश आउट का आपको करके दिखाती हूँ उसका लुक, और इसकी देखें कितनी अच्छी चटनी है। ये देखें हमारी चटनी लाल कलर की खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो गई है। आप इसको बनाएं, इसको टेस्ट करें। ये समोसे पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और ये अभी गर्म है, ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, आप फ्रिज में रखें। ये रमज़ान के लिए मैंने बनाई है। आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।